वो पूछा जाए कि क्यों, क्या हुआ, फालतू की बात मत करो, 5-10 लाख का कर्ज आ गया और क्या हुआ। अरे तो क्या हुआ, 5-10 लाख का कर्ज मानी क्या रे, बोले बेटी हुई, बेटी मानी है, विवाह करो, दहेज दो, ये करो वो करो। खबरदार, ये सनातन संस्कृति के विचार नहीं हो सकते हैं, ये नास्तिकता है। बेटी जिस दिन घर में आ जाए उसी दिन ये समझ लेना चाहिए कि हमारे घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो गया है प्यारे, अब इस घर में यज्ञ जरूर होगा। बोलो, बेटी के जन्म लेते ही वो यज्ञ भूमि बन जाता है घर के, नहीं बन जाता है, है? क्या बन जाता है, यज्ञ भूमि बन जाता है। और बेटे के पैदा होने से वो घर वीर भूमि बन जाता है कि निश्चित रूप से वीर पैदा हुआ है, देश की रक्षा करेगा भगत सिंह जैसा। क्यों भाई, वीर भूमि। लेकिन आजकल उल्टा अर्थ लगाते हैं, बेटी का जन्म हुआ तो हमारी धरती कर्जदार हो गई, और बेटे का जन्म हुआ तो बैंक बैलेंस आ गया, बैंक बैलेंस पैदा हो गया। क्यों भाई, अब तो निश्चित रूप से 10-5 लाख रुपया हम ले ही लेंगे। खबरदार, गलत। बेटी का जन्म हो, खुशियां मनाओ कि हमारे यज्ञ भूमि हो गई, हमारा घर क्या हो गया, यज्ञ भूमि हो गई। और बेटे का जन्म हो तो वीर भूमि हो गई, वीर भोग्या वसुंधरा, वीर भोग्या वसुंधरा। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी कथा को सैनिक भी बहुत सुनते हैं, फोन आते रहते हैं उनके, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुनते हैं वो, इसलिए हम प्रोत्साहित करते रहते हैं नौजवानों को।